सत श्रीकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरें देख रहे हैं। आप सब का स्वागत कर दी। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले जो हेडलाइंस से खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन 17वें दिन भी जारी। किसानों वालों दिल्ली जयपुर हाईवे जाम, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट थे। किसानों ने अपना अंदोलन किया तेज। 14 दिसंबर पूरे देश के दे किसान देंगे धरना। हरियाणा के किसानों का ट्रैक्टरों से दिल्ली कूच। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा किया फ्री। खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। सरकार नाल पांच दौर की गलबात असफल होने तो बाद हुण किसान अपने अंदोलन नूं होर तेज करन जा रहे हैं। किसानों ने आज दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय हाईवे से ट्रैफिक जाम करने की चेतावनी दी है, जिसनों लैके पुलिस अलर्ट से है। हाईवे के नाल नाल रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजे नूं भी घेरन की योजना बनाई गई है। अजे विच प्रशासन ने वक् वक् थावां ते लगभग 2000 पुलिस मुलाजमान नूं तैनात किया होया। हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजे घेरन की तैयारी की है, लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट से है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब ही नहीं उत्तर प्रदेश राजस्थान ते किसान भी अंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। गाजीपुर सरहद ते कई किसान डटे हुए ने। इस तो इलावा दिल्ली दियां वफक सरहदा ते किसान बीते 16 दिनों नूं डटे ने अते अज अंदोलन का 17वां दिन है। किसान सिर्फ ते सिर्फ खेती कानूनों नूं रद्द कराउण दी मंग ते अड़े ने। केंद्र नाल कई दौर की गलबात विच कोई सिटा नहीं निकलता वेख के किसानां ने अपना अंदोलन तेज कर दिता है। किसानों वालों आज दिल्ली जयपुर हाईवे नूं जाम किया गया। इस तो अलावा टोल नाकियां नूं फ्री किया गया। 14 दिसंबर नूं पूरे देश दे किसान धरना देंगे। हरियाणा के किसान भी हुण दिल्ली कूच कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में किसान ट्रैक्टरां ते बैठ के दिल्ली लई रवाना हो रहे हैं। सड़कां ते लंबियां लाइनां नज़र आ रही हैं। इस दे नाल ही किसान ट्रैक्टरां ते सवार होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा के यह किसान दिल्ली की सिंगू सरहद ते अंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन देने लई निकले। ये सारे किसान केंद्र सरकार वालों लागू किए गए खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उत्थे किसानों वालों अंबाला के शंभू टोल प्लाजे नूं बंद किया गया, जिस तों बाद इस नूं टोल फ्री कर दिया गया। जिला अमृतसर तो किसान जथेबंदी वालों दिल्ली कूच नूं कीती जा रही है तैयारी है। सर्कल चौक मेहता किसान वालों कस्बा चौक मेहता तो एक वड्डा काफला किसानों का अज दिल्ली वल रवाना होया। किसानों का कहना है कि यह एक इलाके का काफला है ते बाकी जिला के होरना इलाकों विचों भी वड्डी गिनती विच किसान दिल्ली नूं रुख कर रहे हैं। इन्हां किसानों का कहना है कि वह अपने घर विच यह आ के तुरे ने कि उन्होंने चाहे दिन लगन जां महीने लगन वह यह खेती कानून रद्द करवा के ही परतणगे। किसान जथेबंदियों वालों दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से खेती कानूनों के खिलाफ पक्का मोर्चा लगाया होया अते इन्हां किसानों के संघर्ष में वक्-वक् वर्गों के लोग जिते हाजरी भर समर्थन कर रहे हैं उते ही संघर्ष में हर तरह की मदद लई भी अगे आ रहे हैं। इस दे तहत पंजाब दे बटाला जलंधर मुख मार्ग एक संस्था वालों भी इस संघर्ष में शामिल होने वाले हर राहगीर चाहे वह ट्रैक्टर से होवे जां फिर गड्डी ते उसनूं फ्री पैट्रोल अते डीजल की सेवा दी जा रही है। जदों संस्था के मैंबरां नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा है कि यह 3 दिन होगा और पैट्रोल और डीजल की सेवा फ्री लगातार चल रहेगी। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार भयानक ठंड के बावजूद अंदोलन करने मजबूर किसानों की गल सुनने तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को दसना चाहिए कि किसानों हाले किन्ना बलिदान देना होगा। राहुल ने अज कहा कि खेतीबाड़ी कानूनों हटाने लिए साढ़े किसान भरावों होर किन्ना बलिदान देना होगा।
उधर कांग्रेस संचार विभाग के मुखी सुरजेवाला ने कहा है कि पिछले 17 दिनों में 11 किसान भरावां की शहादत के बावजूद तानाशाही मोदी सरकार का दिल नहीं पसीस रहा। वह हुण भी अन्नदाता नाल नहीं अपने धनदातावां नाल क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राज धर्म वड्डा है जां राज हट किसान अंदोलन। उन्हें कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। तुहाडी अते तुहाडे मंत्रियों की नीति हर विरोधी नूं माओवादी अते देश द्रोही ऐलान करन दी है। भयानक ठंड अते मीह विच जायज़ मंगां लई धरने ते बैठे अन्नदातावां तों माफ़ी मंगो अते उन्हां दीआं मंगां तुरंत पूरियां करो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीय वणज अते उद्योग फैडरेशन की 93वीं सालाना आम बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन किया। इस मौके बोलदे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती खेतर अते उस नाल जुड़े होर सैक्टर जिवें खेतीबाड़ी के बुनियादी ढांचे फूड प्रोसैसिंग स्टोरेज कोल्ड चैन विचलियां दीवारां नूं हुण हटाया जा रहा है अते सारियां रुकावटां नूं दूर किया जा रहा है। उन्हें कहा कि इन सुधारों तो बाद किसानों नवे बाजार नवे बदल और टेक्नोलॉजी का फायदा होगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती खेतर में वधेरे निवेश होगा और इस सब का सब तो वधेरे फायदा मेरे देश के किसानों होगा। उन्हें कहा कि अज भारत के किसानों को अपनी फसल मंडिया के नाल ही बाहर भी वेचन का बदल है। अज भारत में मंडिया का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों डिजिटल प्लेटफॉर्म से फसल वेचन से खरीदन का भी बदल दिता गया। इन सारे यत्नों का यही उद्देश्य है कि किसानों की आमदन वधे देश का किसान खुशहाल होवे। उन्हें कहा कि जो देश का किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। श्रोमणी अकाली दल के 14 दसंबर नूं आ रहे 100 साल स्थापना दिवस के संबंध में श्रोमणी अकाली दल वालों अज श्री दरबार साहिब समूह विखे श्री अकाल तख्त साहिब के नज़दीक गुरद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह शहीद विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ करवाए गए हैं, जिसका भोग 14 दसंबर नूं पवेगा। अज श्री अखंड पाठ की आरंभता मौके प्रधान सुखबीर सिंह बादल, बीबा हरसिमरत कौर बादल, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, श्रोमणी कमेटी अते इस्त्री अकाली दल की प्रधान बीबी जगीर कौर, सीनियर मीत प्रधान सुरजीत सिंह पिठेवड, मुख सकत्तर हरजिंदर सिंह धामी, भाई राजेंद्र सिंह मेहता, गुलजार सिंह रणीकी समेत होर सीनियर पार्टी आगू हाजिर सन। इस तों पहलां यह आगू श्री हरिमंदर साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब विखे नतमस्तक होने लई पहुंचे। दीनानगर तो इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है, जदों भाजपा नाल संबंधित 50 पुराने परिवारों ने भाजपा नूं अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी का पल्ला फड़ लिता। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों का कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी और सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी ने हार पा के जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकार नाल गलबात करदे कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि जिन्हां परिवारों ने अज भाजपा नूं छड्ड के कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन किया उन्हों का पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा माण सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में शाना ही जाते जाते एक नज़र मारते हैं भारत के मौसम के हाल से। वैदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट।